तो नील समंदर जो गीत है ये मेरे लिए बहुत मजेदार अनुभव रहा, क्योंकि मैं प्रदीप दादा की लगभग सब फिल्मों के गाने मैंने लिखे हुए हैं अभी तक, मतलब सिर्फ एक फिल्म के नहीं लिखे जो उन्होंने बनाई थी मर्दानी, उसके अलावा मैंने सारी फिल्मों के गाने उनके लिखे हुए हैं। तो मेरा उनका बहुत पुराना रिश्ता है, वो सिर्फ मुझे आवाज़ दे के बुलाते हैं कि भाई आ जा ये गाना लिखना है। उन्होंने कहा कि एक नया लड़का है अंकित, इसको लॉन्च करना है और एक अंडमान में वीडियो शूट करना है, और उस हिसाब से तुम कोई एक अच्छा सा गाना लिखो। और हमने मैंने गाना लिखा, अंडमान का जो विजुअल मेरे माइंड में आया और एक लव स्टोरी थी, तो उसके हिसाब से मैंने गाना लिखना शुरू किया। और वो गाना दादा को, दादा जैसे दादा हमारे यहाँ पे इंडिया में म्यूज़िक वीडियो के मास्टर है, ऐसा मेरा मानना है। इतने बड़े बड़े म्यूज़िक वीडियोज़ दादा ने बनाए हैं, पिया बसंती रे से लेके धूम पिचक धूम से लेके मायरी, ऐसे मतलब इंडिया में म्यूज़िक वीडियो का जो जॉनर है उसको, उसकी शुरुआत करने वाले दादा है। तो हमेशा उनके वीडियो, उनके म्यूज़िक वीडियो में एक यूनिक चीज़ होती है। और उन्होंने इस बार उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि तुम फिल्म के लिए नहीं लेकिन एक म्यूज़िक वीडियो के लिए लिख, और वो लिखने का काम मैंने किया। उसके बाद मीत ब्रदर्स के पास हम गए, उनके साथ फिर मैंने जैसे कहा कि मीत ब्रदर्स का एक कमर्शियल पंच होता है, एक तड़का होता है, तो उन्होंने वो तड़का इसमें लगाया। मैंने कभी पहले पंजाबी नहीं लिखा था, तो इसके अंदर थोड़े से पंजाबी बनाए लिरिक्स को, एंड देन यू सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीचर फिल्म ना, ऐसा सिर्फ एक गाना नहीं है, एक पूरा वीडियो है, एक पूरी कहानी है, एक पूरी लव स्टोरी है। देख फिल्म में तो कहानी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए आप लिखते हो, लेकिन इसमें म्यूजिक वीडियो यह समझ लीजिए कि एक छोटी फिल्म होती है अपने आप में, और आपकी आपकी लिरिक्स के थ्रू एक छोटी कहानी आप उसमें बताने की कोशिश करते हो। तो लिरिक्स जो होते हैं वो एक बड़ी फिल्म के लिरिक्स जो होते हैं वो एक बड़ी कहानी का एक छोटा हिस्सा होते हैं, और म्यूजिक वीडियो के जो लिरिक्स जो होते हैं वो एक छोटी कहानी का बड़ा नरेशन होते हैं। ये हमारे इंडस्ट्री में ऐसे अलग अलग किस्म के दौर आते रहते हैं, और उसमें से ये एक दौर है कि अभी हम पुराने गानों को रिमिक्स करके नए करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सैड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारे देश में टैलेंट बहुत है, और मुझे लगता है कि नए गाने भी उतने ही अच्छे बन सकते हैं, बन रहे थे, बट मुझे लगता है कि वो क्योंकि सुने हुए गाने की पॉपुलर अपील ज़्यादा होती है, तो लोग कंपनीज उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती और उसको दोबारा कर देती है। तो बट आई थिंक वो दौर चेंज होगा, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में दौर आते रहते जाते रहते, तो ये दौर भी चेंज होगा। बिल्कुल बीच बीच में गायब हो जाता है, फिर डर लगने लगता है कि लिरिक्स का क्या हुआ, लेकिन अभी जैसे गली बॉय फिल्म आई है उसके अंदर जो लिरिक्स है वो एकदम ही नए तरीके के लिरिक्स है, और सिर्फ लिरिक्स बेस्ड ही है, उसमें तो म्यूजिक ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लिरिक्स का बहुत महत्व है, और हमारे लोग लिरिक्स सुनते हैं, हमारे इंडिया के लोग शब्दों से गानों को, आप शब्दों से जानते हैं ना भाई, कोई कौन सा गाना है भाई, पिया बसंती तो शब्द ही है, तो लिरिक्स से इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। ये ट्रेजेडी है हमारे इंडस्ट्री की, लेकिन अब इसी में से रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन अभी इस वक्त पे जितने अच्छे लिरिक राइटर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उतना मेरे ख्याल से कभी नहीं किया होगा। इतने अच्छे लोग हैं, कम से कम 15-20 नए लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत चल रहा है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे को फ्लाइट पकड़नी है। आने के पहले मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि आई डोंट वांट टू स्टिल यू नो स्टार्ट अ टीवी सीरियल। मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत की इस तरह, यहाँ तक आने में लेकिन अब मेरा काम शुरू होने वाला है आस्ते आस्ते, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, एंड ऑल थैंक्स टू दादा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, for our producers, for everyone, the whole team, the whole cast. It was an amazing experience for us. हाँ जी 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 नहीं एक्चुअली मैं पर्सनली आई एम बॉर्न ब्रॉट अप फ्रॉम अंडमान इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड, मैं अंडमान में ही हूँ, मैं वहीं का हूँ एक्चुअली। सो अंडमान से मेरी जर्नी शुरू हुई है, एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज मैं जहाँ पला बड़ा हूँ मेरा पहला डेब्यू वहीं शूट हो रहा है,
और वहाँ के लोग मैं ऑल ओवर देखा जाए तो मैं वहाँ को रिप्रेजेंट करता हूँ. सो इट वॉज बहुत अच्छा था एंड स्पेशली रिचा एंड दादा. रिचा बींग माई फर्स्ट को स्टार शी वॉज वेरी गुड टू मी. उन्होंने एज एन एक्टर बहुत टिप्स दी, बहुत हेल्प की मुझे शॉर्ट्स के बिटवीन, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा. शी वॉज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट टू मी एंड शी वी डिड अ ग्रेट जॉब एज यू कैन सी. एंड दादा वॉज ही इज़ तो अमेजिंग. देयर इज़ नो अदर वर्ड बिसाइड्स दैट. ही इज़ टोटली अ मास्टरपीस. जब आप किसी चीज़ पे अपना दिल जान मेहनत सब लगा देते हैं ना, तो वो जब इतना अच्छा निकल के आता है तो सीरियसली बहुत खुशी होती है. और ये वीडियो देखने के बाद लगा कि हमने अंकित को कास्ट करके कुछ गलत नहीं किया, और हमने दादा के साथ काम किया तो हमें श्योर था कि दादा के साथ काम करना मतलब वीडियो हिट होना ही है. बट अंकित के साथ काम करा ये भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि अंकित नया चेहरा था और लोगों ने उसको देखा नहीं था. हम चाहते भी थे कि कुछ ऐसा करें जो अभी तक देखा ना हो किसी ने. इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, डांस भी है, सब कुछ आपको देखने को मिला है इस वीडियो में. तो और अंकित को एक्टर बनना है और उसको हीरो बनना है, राइट? हीरो बनना है. हाँ, अंकित को हीरो बनना है, तो एक हीरो की सारी क्वालिटी हम लोगों ने उसमें दिखा दी है. तो इट्स रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस. और खुशी तो मुझे और राहुल को बहुत है कि हम लोगों ने दादा के साथ काम किया, रिचा के साथ किया काम किया, क्योंकि रिचा भी एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है. बहुत अच्छा लगा हम लोगों को इनके साथ काम करके. अंडमान में शूट करना, जब हमने दादा से बात किया जाकर, दादा को बताया कि हम कुछ म्यूज़िक वीडियो शूट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो दादा की जो वाइफ हैं भाभी पंचाली सरकार, उन्होंने बोला कि अगर म्यूज़िक वीडियो करना है तो लेट्स गो टू अंडमान एंड वी शूट इन अंडमान. और फिर क्योंकि वो लोग अंकित से भी पहले मिल चुके थे तो, और वो चाहते थे कि हम अंकित को लेके ये म्यूज़िक वीडियो बनाएं, इसलिए ये हुआ कि अंकित भी अंडमान का है, तो लेट्स प्लान एंड गो टू अंडमान एंड शूट इन अंडमान. ये मैं मिनी फिल्म नहीं बोलूँगा, मैं पूरा फिल्म ही बोलूँगा इसे. ये मिनी फिल्म नहीं है. दादा ने जितनी भी चीज़ें इसमें की है एज अ डायरेक्टर, दादा की जो, दादा ने जो प्लान आउट किया, उनका जो विज़न था, ये पूरा के पूरा फिल्म है. ये आप बोल सकते हैं कि ट्रेलर हो सकता है आगे जाके, वी डोंट नो, शायद इसमें मूवी बन जाए कभी, या यू नो एनीथिंग कैन हैपन. बट सारी चीज़ें एक साथ करना वॉज अ वेरी यू नो बिग एंड अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मी, कि मैं अपने डेब्यू में आई कैन शो यू एवरीथिंग, व्हाट एवर टैलेंट आई गॉट इनसाइड मी एज एन एक्टर, मैं आपको सब कुछ. सवाल उसके दिया. हाँ पूछिए. ये एक्चुअली स्टोरी ना रियल है, और जब हम देखी करने गए थे उस टाइम भी ये वहीं के कोई लोकल सुनाया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, एक बच्ची खो गई थी वाइल वो, एंड देर इज़ अ ट्राइब आई एंड दैट ट्राइब, उसको ना अजीब एक चक्कर है कि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट सेड कि इफ यू आर गोइंग डीप इन टू द forests and all, if you see some this kind of thing, if somebody, they come in like जैसे elephant आके सामने खड़े हो जाएंगे गाड़ी के, वैसे ही आके खड़े हो जाते हैं टक. तो उस टाइम पे आपको चुप रहना बेहतर है, कुछ मत कीजिए, आप आराम से चले जाइए, वो कुछ नहीं करेंगे. ऐसे ही होता है. अब ऐसे ही कोई घटना हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, जहाँ पे बोल एक कुछ मुठभेड़ हो गया था किसी, समथिंग हैपेंड एंड दे रैन अवे. वाइल रनिंग अवे अ लिटिल किडो वाज लेफ्ट बिहाइंड एंड शी वाज सेव्ड बाय दिस यंग चैप हु एक्चुअली आफ्टर ट्रीटिंग हर गॉट हर बैक इनटू द एक्चुअल ट्राइब, वहाँ पे जाके वापस करके आए थे. सिंस दोज डेज people have of the of you know very that particular tribe has become less hostile. I mean, but because basically kya hai, it's so nature oriented, it's so natural, the place there, it belongs to them.
it's almost like if you are going and in interfering in their lives, they will get zapped, you know, they'll get mad. So that is what it is. So, you know, what we see of Andamans, first of all, we don't see much. But whatever we see of Andamans is very upari, you know, is very kind of touching the base, nothing more. But when you go deeper into the place, it just grabs you. It just comes and, you know, kind of takes you in. If you stand when you were shooting in those jungles, it is mesmerizing. You can't see the sky, the door ki baat, you know. You can't see anything. It's so, in the daytime it's dark, you know. So it was an experience. I never, plus the sea, the experience in the sea was absolutely brilliant. It's a different zone altogether. I never thought I would actually go into the sea like that, you know. But best part of our business is that when you're shooting, you become part of that place, you know. So it just gets into you. When I went to Benares, it happened to me. When I in Calcutta, it happens to me. In Delhi, it is just like I haven't seen Delhi till I actually started making filmmaking. Though I was there in Delhi for 32 years, it's a different zone. This experience is always the best thing to do, best thing in life. देखिए ये कहानी बहुत बस बहुत अच्छा है बट अभी ऐसे कुछ दिमाग में तो है नहीं कि इसका कुछ बना है पर मुझे लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे जाना है ज़रूर क्योंकि बहुत स्टफ वेरी टफ टू शूट वेरी टफ टू काइंड ऑफ गेट थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल आई थिंक दैट प्लेस इज सो ब्यूटीफुल दैट One has to go and shoot there. I can't hear you. जी देखिए tricky question, tricky things to answer. वैसे तो barrier नहीं होना चाहिए क्योंकि music, songs and all I think they belong to the world, they belong to everybody. So, you know, not to get them out to people is not right. You know, it's just not right. You don't. It's a mixture of cultures that you can get, and if that you don't, if you are kind of, आपको एक barrier डाला जाए कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो उसमें थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही. It's not correct, I would say. Any else?